दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। दोस्तों आज एक स्टार मेकर के नए अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। ये अपडेट एक्चुअली आने वाला है, अभी बहुत सारे पार्टी रूम्स को नहीं मिला है और ये अपडेट जो है खास करके पार्टी रूम में आएगा, जो कि ग्रैब द माइक फीचर्स के साथ में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रैब द माइक फीचर क्या है और क्या क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना वीडियो को बिना स्किप किए, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल जाए। दोस्तों का चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए जो है अप्रिशिएशन मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम एक रूम में जा रहे हैं और इस रूम, ये रूम जो है वन लेवल का है। यहाँ पे रूम में जैसे ही हम एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इनवाइट एंड स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही रूम में हम आ जाते हैं तो स्टार्ट वाला ऑप्शन जो है गायब हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल इन रूम। अब बैटल इन रूम है क्या, इसके बाद में चिप्स लिखा हुआ है, चिप्स फ्री, ठीक है। इसके बाद में इनवाइट लिखा हुआ है। दोस्तों ये गेम हम तभी शुरू कर सकते हैं जब हमारे साथ पार्टी रूम में कोई और एक मेंबर हो। मींस अगर हम अकेले इस पार्टी रूम में हैं तो यहाँ पे जो है हम ये गेम को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे साथ कोई और भी इस पार्टी रूम में है तो हम जो है इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको इस सीट पे जाना होगा। जैसे आप सीट पे आ जाएंगे उसके बाद में अपने फ्रेंड को आपको इन्वाइट करना होगा और उसके बाद में आप जो है ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये गेम है क्या और कैसे इसको हम प्ले करेंगे। अभी ये जो अपडेट है सारे रूम्स को नहीं मिला है, इसलिए जब भी आपके रूम को आएगा तो यहाँ पे पहले आप इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है व्हाट इज ग्रैब द माइक। ग्रैब द माइक है क्या दोस्तों, यहाँ पे है एक सिंगिंग, एक न्यू वे है सिंगिंग गेम प्ले का। यहाँ पे दोस्तों जो है जैसे ही आप इस गेम को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक म्यूजिक सुनाई देगी, उस म्यूजिक जैसे वो म्यूजिक सुनाई देगी तो आपको वही सॉन्ग, जो भी सॉन्ग सुनाई देगा वही सॉन्ग आपको गाना है। ग्रैब द माइक पे क्विकली आपको क्लिक करना है, जैसे पहले एक ग्रैब द माइक का ऑप्शन आया था सेम ऐसे ही आपको क्विकली क्लिक करना है और सक्सेसफुली जैसे ही आप माइक को ग्रैब कर लेंगे तो आप जो है सिंगिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब भी आप सिंगिंग करेंगे तो आपके सिंगिंग के हिसाब से आपको स्कोर यहाँ पे मिलने वाला है और स्कोर के हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी और उसी हिसाब से आपका जो है यहाँ पे रिवार्ड मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये बैटल इन रूम है, ये टू टाइप्स के बैटल्स होते हैं। टू टाइप्स के बैटल्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि यहाँ पे टू टाइप्स के बैटल हैं, जो कि है बैटल इन रूम और दूसरा है क्रॉस बैटल, क्रॉस रूम बैटल। दोस्तों यहाँ पे जो बैटल इन रूम होता है इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने रूम के मेंबर्स के साथ ये बैटल कर सकते हैं। मीन्स आपके रूम में जितने भी मेंबर्स रहेंगे आपस में इस बैटल को कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है टू बैटल्स में होता है, एक तो फ्री बैटल होता है और इसके बाद में एक सिल्वर गोल्ड क्वाइंस का बैटल होता है। अब जो फ्री बैटल होता है इसमें फ्री चिप्स होते हैं, ठीक है, इसको आप फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री बैटल्स में आपको कोई भी रिवार्ड मिलने वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप सिल्वर और गोल्ड क्वाइन वाला बैटल करते हैं तो जो भी मेंबर्स आपको, जो भी जितना भी रूम में आपके जो है सिल्वर क्वाइन कंज्यूम होगा या गोल्ड क्वाइन कंज्यूम होगा उसका यहाँ पे एक जो है वो बन जाएगा, प्राइज पूल बन जाएगा, ठीक है। अब प्राइस पूल बनने के बाद में क्या होगा, नंबर वन इन द गेम बिल के, जो भी नंबर वन आएगा इस गेम में उसको 80% ऑफ सिल्वर क्वाइंस, प्राइस पूल में जितना भी सिल्वर क्वाइंस होगा उसका 80% उसको मिल जाएगा, बाकी 20% जो है रूम ओनर को चला जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है कि क्रॉस रूम बैटल। क्रॉस रूम बैटल में आप दूसरे रूम से भी यह बैटल कर सकते हैं। दूसरे रूम से बैटल करने पर जो भी आपके रूम में सिल्वर क्वाइन कंज्यूम होगा उसका 80% तो उसको मिलेगा जो फर्स्ट प्लेस पर रहेगा और 20% जो है रूम ओनर को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके रूम में जो है, अगर टोटली वहां पे प्राइस पूल में गोल्डन कॉइन भी कंज्यूम होते हैं, गोल्डन कॉइन भी रिसीव होते हैं, तो यहाँ पे 90% जो गोल्डन कॉइन्स होगा वो जो है यहाँ पे विनर को मिलेगा, फर्स्ट प्लेस पे जो आएगा 5% रूम ओनर को मिलेगा। साथ ही साथ 5% यहाँ पे सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा मीन्स सिस्टम को चला जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के यही है कि इसमें जो है आप खुद के गिफ्ट ही आपको खुद मिलने वाले हैं, मीन्स जो भी रूम में आपके रिसीव होंगे वही यहाँ पे मिलने वाले हैं, बाकी स्टार मेकर अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी देने वाला नहीं है। तो ऐसे करके कुछ आप जो है ग्रैब द माइक गेम को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें जो है इस गेम को प्ले करने के लिए अगर आप यहाँ पे क्वाइंस लगाते हैं अपने, तो अगर आप जो है सक्सेसफुली आप माइक ग्रैब कर लेते हो उसके बाद आप गेम को लीव नहीं कर सकते। अगर म्यूजिक स्टार्ट नहीं होता है उसके पहले आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक बार म्यूजिक स्टार्ट हो गया तो आप गेम को लीव नहीं कर सकते। दोस्तों कुछ ऐसे ही यही था इसी ग्रैब द माइक के बारे में, बैटल इन द रूम गेम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।